भाईजान ये काउ पर उड़ेगा ही यूं लट गया। या अल्लाह धोखा दे दिया। भागो भागो भागो। आप लोगों की कामकाजी के वजह से आज हमारा मुल्क कितना पीछे है। साथ में आजाद हुआ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चंद्रमा पर चला गया। आप लोग क्या कर रहे हैं जनाब? क्षमा कीजिएगा वजीरे आजम, हमारा मुल्क का भी वैज्ञानिक इंडिया के वैज्ञानिक से कम नहीं है। इंडिया 45 दिन में सैटेलाइट भेजा था चंद्रमा पर, अगर हम लोग चाहे तो 15 दिन में सैटेलाइट चंद्रमा पर भेज सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या हुआ जनाब, बताओगे तब न सरकार तुम लोगों के लिए काम करेगी। सरकार हम लोगों को पूरा बजट नहीं दे पाता है हुकुम, तो हम लोग सैटेलाइट चंद्रमा पर भेजे कैसे? खाली पैसे पैसे करते रहते हो जनाब, पैसे से सब कुछ नहीं होता। कुछ पड़ोसी मुल्क से भी जा कर के सीखो, उन्होंने कितना कम बजट, इससे ज्यादा बजट में तो इंडिया में फिल्म बनता है, उससे कम बजट में ले जा कर के चंद्रमा पर सैटेलाइट को लॉन्च करवाया। कुछ दिमाग लगाओ, देहाती जुगाड़ लगाओ, सब कुछ पैसे से नहीं होता जनाब, दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करो। नहीं समझ में आता है तो हम इंडिया से वैज्ञानिक मंगा करके अपना मुल्क में और एक सैटेलाइट लॉन्च करवाएंगे, लेकिन हर हाल में हमको चंद्रमा पर जाना है तो जाना है। क्षमा कीजिएगा हुकुम, अल्लाह ताला के रहनुमा से हमारा मुल्क पाकिस्तान का झंडा चंद्रमा पर जरूर फहते होगा। साबस नफीस खाओ साबस, ऐसी जोश और जुनून की जरूरत है हमारे मुल्क पाकिस्तान को। दिमाग लगाओ भाई साहब, देहाती जुगाड़ लगाओ, लेकिन हर हाल ने फतेह होना चाहिए झंडा पाकिस्तान का चंद्रमा पे। हम एक महीने का अल्टीमेटम देते हैं आप लोगों की, जितना जल्द से हो सके रात दिन एक करके काम करो, पूरी वैज्ञानिक इसमें अपना ताकत झोंक दो, लेकिन पाकिस्तान का झंडा एक महीने के अंदर अंदर चंद्रमा पर फतेह होना चाहिए। आए हो मकसूद चा, मनोहमानी के बजीरी आजम पगलाने के लिए है हो। ई हाथिया जो रे नल ठोके ले चला है, इंडिया से पार लग जीता है, कहा है देहाते जुगाड़ लगावे का, दौड़ के चल जीवे चंद्रमा पर। तू टेंशन मत लो सुखाड़ी खान, अभी मकसूद मिया जिंदा है, पाकिस्तान मुल्क के झुकने नहीं देंगे। चुप रह मकसूद चा, तू हमेशा सिलाई करते है ना, आज बड़ा वैज्ञानिक बन गए ना, भेजने कैसे भेजाई तू? अरे बाबू चलो ना, जैसे जैसे कहते हैं वैसे से करो, सब जुगाड़ हो जाएगा। हेलो आदाब नमस्कार सलाम, आप सबका हार्दिक स्वागत है पाकिस्तान न्यूज चैनल में। तो अभी अभी ताज़ा समाचार मिली है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने घोषणा की है कि पाकिस्तान भी अपना चंद्रयान चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए पाकिस्तान के सभी वैज्ञानिकों ने अपना एड़ी चोटी दिन रात मेहनत कर रहा है। तो पाकिस्तान के मूलवासियों से आग्रह विनती अनुरोध है कि आप अपना अल्लाह तला से दुआ करें कि पाकिस्तान का चंद्रयान जितना जल्द से जल्द हो सके चंद्रमा पर अपना झंडा फतेह कर सके। जी ओ, आप पाकिस्तान का चंद्रयान भी छूटने वाला है, हम लोग इंडिया वाले से पीछे नहीं रहेंगे। आएंगे लॉलीपॉप जी ओ। अबे साले चुप रहेगा, पूरा भी समाचार सुने दो। क्या आप भी सर्दी खांसी जुकाम से परेशान हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो फटाफट अदरक नींबू चाय बना करके दिन भर 3-4 बार पीजिए, आपकी सर्दी खांसी जुकाम खत्म हो जाएगी। अबे प्रचार आ गया, देख नहीं रहे हो? यह अल्लाह, हम भी दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क के चंद्रयान सक्सेस हो। देखिए मकसूद चा, ऐसा हम लोग दिमाग लगाइए ने कि सैटेलाइट चंद्रमा पर चल जाए और कम बजट भी लगे। हाँ हाँ वही दिमाग लगा रहे हैं, पहले सामान तो लिखिए। लिखिए अनवर मियाँ। ओह नो। हाँ हाँ बोलिए ना भाई जान, लिख रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए मकसूद चा, आप हमारे मुल्क के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, आप अपने दिमाग से काम कीजिए। हाँ हाँ आप लोग साथ दीजिए ना, बता रहे हैं ना, लिखिए 10 किलो कोयला। कोयला का जरूरत है मकसूद चा, का भट्टी जोड़ेल है? अरे तेलों के पता नहीं है, वही में सलोन भरेंगे तब न उड़ावेगा। और लिखो 10 किलो ताड़ और 2 किलो 5 इंचिया काटी। का मकसूद चा, का तू लिखा रहनी है? ताड़ काटी का सेटिंग ठोके लहस मंगा रहनी है?
अरे चुप रहो यार, दिमाग लगाता है ये नहीं, सिर्फ बीचवन बकर बकर बोलते रहता है। सेटेलाइटवा के तड़वा से और काटिया से कस के भेजेंगे तनी चंद्रमा ऊपर जाएगा, नहीं तो बीचों में छितरा के भीतर आ जाएगा। ना ना लिखाइए ना मकसूद चा, हम लोग देहाती जुगाड़ से भेजेंगे चंद्रमा पर। और लिखो, एक बोझा निवारे ले लेना और एक खाची को उठा ले लेना, उसमें मट्टी के तेल गिरा के सुलगावे ला। का मजाक कर रहा था मकसूद चा, मिसाल बनाओ था कि होला या फूके था। अरे तू चुप रह यार, काहे लानी बार बार डिस्टर्ब करती है इनकर माइंड के, बन तो तक नहीं देखी यहीं। सूत्री का जोर नहीं लिखा है चाचा जान, उसकी जरूरत ना पड़ेगी का हो। ना ना पड़ेगी कि ना, कैसे पड़ेगी, सूत्री की जोर जर जाएगी, इसलिए नारिया की जोर एक पसरे लिख लो। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सुन रहे आकाशवाणी का लाहौर केंद्र से ताज़ा समाचार। आज ही पाकिस्तान के वजीर आजम ने घोषणा की है कि पेट्रोल के भाव को बढ़ते दाम को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान मूल वासियों के आदेश दिया गया है कि गधा का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान का वजीर आजम का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गधा का इस्तेमाल करने से हमारी अर्थव्यवस्था सुधारने की पूरी गुंजाइश है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को देखते हुए वजीर आजम ने घोषणा की है कि आप दो रोटी कम खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, इससे आपकी सेहत में काफ़ी सुधार होगी। साले बाल बच्चा भूखल मर रहा, तुम लोग पाकिस्तान के कटोरा थमा दिया और कहता है दो रोटी कम खाए। भाई जान, इसको पटकने से समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा ना? अरे छोड़ो यार, हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है, हम जा रहे हैं दूसरा मुल्क में रहेंगे। काहे भाई जान ऐसे क्यों बोलते हैं, अपना मुल्क छोड़कर कहीं कोई जाता है क्या? अरे छोड़ो सलीम भाई, अपना मुल्क में है क्या? यही देखो अपना पड़ोसी मुल्क भारत कहां से कहां चला गया, वहां अमन है, चैन है, शांति है, भाईचारा, यहां क्या, यहां खाली नेता लोग भाषण देता है। ऐसे मत बोलो भाई जान, अपना मुल्क किसी मुल्क से कम है क्या? अरे छोड़ो भाई जान, काहे का मुल्क, नया नियम है, नया कानून है, नया सिस्टम है, महंगाई आसमान छू रहा है। देखो भाई जान, अपना मुल्क में आटे की दाम क्या है, 250 रुपये 350 रुपये के जी, और सेटे इंडिया में जाओ मात्र 30 से 40 रुपये के जी, और यही अपना मुल्क में चिकन के बात किया जाए तो 500 से 700 रुपये के जी, और सेटे इंडिया में देखो मात्र 100 से 150 रुपये किलो। ते बताओ भाई जान, कौन रहना चाहेगा इस मुल्क में? ऐसे जान मत उगालिए भाई जान, हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है, हमारे मुल्क भी धीरे धीरे तरक्की कर रहा है भाई जान, चंद्रमा पर जाने के लिए तैयारी हो ही रहा है, हमारे मुल्क में बड़े बड़े मिसाइल पड़े हुए हैं, कोई आंख नहीं दिखा सकता है भाई जान। अरे छोड़ यार, काहे का मिसाइल, जब अपना मुल्क का लोग भूखे मर जाएगा तो मिसाइल रख के का पा देगा। कूल डाउन भाई हमारा मियाँ, जब हम लोग चंद्रमा पर जाएंगे ना तो सारा समस्या समाधान हो जाएगा। अच्छा सलीम मियाँ, यही देख लेते हैं कि कब पाकिस्तान चंद्रमा पर जाता है। देखिए जनाब, हमारा जो वैज्ञानिक ने चंद्रमा पे मिसाइल भेजने के लिए ब्लूप्रिंट बनाया है, उसको आपको डिटेल से समझाते हैं जी। देखिए जनाब, ये पृथ्वी है, चंद्रयान के लिए यहाँ से मिसाइल हमारा उड़ेगा, पृथ्वी की चारों दिशाएं में 7 दिन तक चक्कर लगाएगा। इस जगह पे आन के 7 दिन के बाद 2 दिन के लिए विश्राम करेगा। 2 दिन तक यहाँ मेरा मिसाइल आराम किया, खाना वाना खाया, नाश्ता पानी किया, और फिर यहाँ से मेरा मिसाइल चंद्रमा के लिए उड़ान भरा। इस जगह पे आने के बाद चंद्रमा की चारों ओर 180 की स्पीड में घूम रहा है, घूमेगा। जैसी यहाँ से फरकट मिलेगा ऐसी यहाँ से घुस जाएगा। जैसी यहाँ से घुसेगा यहाँ तक इसका 120 का स्पीड रहेगा। यहाँ से फिर धीरे धीरे आएगा इस जगह पे, इस सतह पे आएगा, यहाँ लैंड करेगा, यहाँ हमारा सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा जी। यहाँ आपको सैटेलाइट 100 का स्पीड में धड़ाक से बैठा देना। टूटेगा नहीं जी? बिल्कुल नहीं टूटेगा। इस जगह पे पूरा अथी बना हुआ है जी जी जी, बालू पर बैठा है। हाँ, बिल्कुल बालू पर। और यहाँ से जैसी खुलेगा मशीन सैटेलाइट का, वैसी जनरेटर चालू होगा, ढक 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 ढक, और फिर धीरे धीरे काम से काम करने के लिए मशीन दौड़ेगा फेटू भेजेगा जी, बिल्कुल फेटू भेजेगा।
और ऐसा ऐसा फेटू भेजेगा अब अल्लाह जाने। तड़वा कौन लेके लियो लाओ? तड़वा से बाहर होने कस के। अरे ये लोकेशन दिखावेगा। आयो रे मां। इस मुंह में कर लो ना जी। रुको रुको ऐसा कर। इसको रुक जाओ। अरे पनिया पता चल तो रस ने। वही कर रहे हैं। नेवरिया नेवरिया खोलिए। पकड़ जी। हां मैटिक तेल तो भिजा के लाए हैं। क्यों रे? हां ठीक है। हां हाय। भिजा हुआ है। लैंडर को पकड़ो लैंडर के। लैंडर का ऐसा बांधो कि जल्दी हम लैंड कर दे। आयो रे मां। आवाज दे लो। हां ठीक है। इससे रहने। और ये पहले लगाओ लपेट देते हैं। पकड़िएगा तब तो। ऐसे होगा। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। एकदम मशीन के टड़िए पर बना रहे हो? हाँ हाँ मिसाइल नहीं है क्या सर? हाँ उड़ावे नहीं है क्या? अच्छा अगर तनि सु तिरछे हो गलो तो कनु घर में घुस गलो तो बड़ा दिक्कत हो। क्यों रे? यही चंद्रयान का रहेगा मॉडल? हाँ जी जी देहाती मॉडल बोले थे ना। हाँ। देहाती मॉडल है ये। हल्का रहेगा तो फिफी नहीं उड़ेगा। आयो रे मां। हल्का है ना? हाँ हल्के है। अच्छा ये क्या बनाए है? ये हाँ जो भारत लैंडर बनाए थे ना। लैंडर? हाँ हाँ तो वही लैंडर। ये क्या करेगा? तो पानी की खोज करेगा कि पानी है। लेयर यही बताएगा चप कर। चंद्रमा पर लेयर का खोज करेगा? हाँ ये लेयर की खोज करेगा ये सब। अच्छी ये जो बनाए हैं इसका चारों इसी पर लैंड होगा ना? हाँ 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 इस पर लैंड होगा। तो ये बांस के बनाए हैं इसको लोहा के ने बनाना चाहिए था? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा सर। ये होगा ना बालू पर गिराएंगे हम। बालू पर? वहाँ मतलब बालू पर लैंड कराएगा? हाँ बालू पर गिराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो ये ढांचा बनाया है सर इसका पूरा काम बाकी है। अच्छा 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 ये क्या बनाए हैं इसको कुछ बताइएगा इसका क्या काम है? इसका जी ये जो ढांचा बनाए हैं आदमी का मुंडी का। हाँ ये जो एलियन है ऊपर में। अच्छा चंद्रमा पे एलियन है। हाँ ऊपर में एलियन सुनने को मिल रहा है। हाँ तो हमारे मशीन को छेड़छाड़ ना करे इसके लिए इस मुंडी को बनाया गया है ताकि इसको देख करके फुर दबर मारे। अच्छा ठीक है। और ये क्या है ये मंगवाए हैं आप लोग इसका क्या काम है? ये है ना सर। हाँ। सोलर प्लेट है। सोलर प्लेट जी जी इससे चार्ज होगा। इसी में सेट करेंगे। सोलर प्लेट से ही मशीन चार्ज होगा? जी जी घुमा धूप निकलेगा। हाँ बिल्कुल इस सोलर प्लेट से उसका चार्ज होगा। चलिए ठीक है। क्या है ये लगता है धोती है इसका क्या काम है? जानते सर चंद्रमा पर बहुत ठंडा रहता है। मशीन खराब होने का बहुत संभावना रहता है। इसलिए इसको झाक के ऊपर भेजाएंगे। क्यों रे? मकसूद मियां इधर आइए जी। अच्छा ये बताइए कि हमारा सैटेलाइट कब तक तैयार हो जाएगा? लमसम हुकुम 10 दिन और टाइम लग जाएगा। हम रात दिन काम कर रहे हैं और जोर शोर से। मतलब आज 10 दिन का मतलब 30 तारीख को हो जाएगा? हाँ 30 तारीख कन्फर्म है। 30 तारीख को लिए मतलब यहाँ से उड़ान करवा दीजिएगा जी तो हम घोषणा करवा दें? हाँ घोषणा कर दीजिए। चलिए ठीक है। आप लोग दिन रात मेहनत करिए और शुभकामना है कि हमारा देश का नाम ऊंचा हो आप लोग का भी नाम ऊंचा हो। खूब मेहनत करिए बहुत मजबूती से बनाइए जी। ठीक है जी करिए काम। शादाब। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर पाकिस्तान ने किया चंद्रमा पर जाने की तैयारी। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर पाकिस्तान ने किया चंद्रमा पर जाने की तैयारी। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर पाकिस्तान ने चंद्रमा पर जाने की किया तैयारी। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर पाकिस्तान ने चंद्रमा पर जाने की किया तैयारी। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर पाकिस्तान ने किया चंद्रमा पर जाने की तैयारी। रेडी हो गया? जी जी तैयार हो गया। इसमें कोई दिक्कत और नहीं रहा? अब कोई दिक्कत नहीं सब काम होगा फिनिश हो गया। अच्छा ले पकड़िए रिमोट अपना शुभ हाथों से टिपिएगा लैंड कर जाएगा। मतलब उड़ान कर देगा? जी जी क्या लाल वाला? हाँ, ना? रेड वाला जी। ए, सब हट जाओ लैंड हो जाना। या अल्लाह अकबर हमारा पाकिस्तान का चंद्रयान जा रहा है रक्षा करिएगा। अल्लाह हाफिज। 9 8 7 6 5 भाग जाओ। हुकुम
अगर तो घूम लो ना तो लेके बैठ जी तो क्यों वन अरे साला खाली धुमा दे रहा है निसालू ना रहा है रे अस्थिर रही हुजूर अस्थिर रही है भाई का मना रहा भाई का क्यों भाई जान ये काऊ पे उड़ेगा ही यूं लट गया या अल्लाह धोखा दे दिया भागो 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 जा साले लीला लग गया ये का चंद्रमा पर जाएगा कि हीने ओहला गया लूट गए हुजूर लूट गए साले तुम लोग कौन बता रहे हो कैसे मिसाइल बनाया कि धरती से भी नहीं उठ पाया करता हम वैज्ञानिक के जनाब अपना सारा वैज्ञानिक फरहान या अल्लाह हम लूट गए बर्बाद हो गए कंगाल हो गए क्या हमने सपना देखा था कि अपना भी झंडा चंद्रमा पर होगा धैर्य रखिए जनाब धैर्य रखिए क्या हुआ अपना झंडा चांद पर नहीं गया तो अपना झंडा में तो चांद है ना या अल्लाह